जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लंगड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन। प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970। नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। भैया, सर हमारा नाम जनार्दन पाठक है और हम रोटरी क्लब इलाहाबाद से है। किस लिए निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य? हम लोग जो दिव्यांग लोग हैं उनके अधिकार तो बहुत हैं, ढेर सारे अधिकार हैं, ढेर सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देते और उनकी बात बताने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं। अब समझिए कि उनको दिव्यांगों को 500 रुपये महीने पेंशन दी जाती है। 500 रुपये में क्या आदमी खाएगा, क्या बचाएगा? और 3-3 महीने बाद दी जाती है और समय पर नहीं जाती है। उनको ढेर सारे अधिकार हैं, उसी अधिकारों के लिए हम लोगों ने रैली निकाली है और उनके लिए हम लोग सड़क पर आए हुए हैं। दिव्यांग क्या यहाँ से? हाँ, हम लोग काशी विद्यापीठ तक यहाँ से जाएंगे और सामान्य लोग जैसे जीवन यापन कर रहे हैं उसी प्रकार इन लोगों को भी जीवन यापन के लिए हम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे दिव्यांग भाई? दिव्यांग जाने के वो सशक्त हैं, उनके पास भी वो हुनर है, वो क्षमता है, केवल उनको अनदेखा किया जा रहा है। इसी को उनको हुनर के आगे बढ़ाने के लिए और बराबरी का अधिकार, सम्मान, अधिकार दिलाने के लिए हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र को आवाज़ उठाने के लिए चुना है, तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे लिए अनुच्छेद 1 से लेकर के और 74 तक की धाराएं बनाई गई हैं, जिसमें हमारे लिए समान किस्म के लोगों के बराबर हमको दर्जा दिया गया है। लेकिन उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हम काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जहां देश में सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है, वहीं हम दिव्यांगजनों को मात्र वोट के लिए ही याद रखा जाता है। प्रावधान जो है वो कागजों में सीमित है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज, सामान्य लोगों की तरह हम देश को टैक्स देते हैं। जो सलाई आप खरीदते हैं, जो साबुन आप लेते हैं, जितना कीमत आपको देना है उतना हमसे भी लिया जाता है। हर चीज़ सामान्य लोगों की तरह हम कीमत देते हैं। खाने के लिए हमको मात्र 16 रुपये 69 पैसे मिलते हैं 2 जून के लिए। सरकार को ये पता चलना चाहिए कि 8 रुपये 33 पैसे में कोई क्या खाएगा, क्या मिलेगा? कोई चाय नहीं पी सकता है 1 महीने 500 रुपये में, तो खाने के लिए सरकार कैसे देती है? और स्वरोजगार के लिए जो ऋण की प्रावधान है, अभी मोबाइल कोर्ट लगी थी अब 22 जनवरी 2018 में, तो उसमें राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग ने कहा था कि आप लोगों को 50,000 से लेकर के 25 लाख तक की ऋण दिया जा रहा है। लेकिन अभी बड़ी अफसोस की बात है कि कहीं कहीं से सुनने में ये आया है साथियों से कि हमको बैंक बता रहा है कि आपको ऋण नहीं दिया जा सकता, आप अदा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और हमारे लिए समस्या निदान के लिए सामान्य लोग जो हैं तहसील दिवस, थाना दिवस, कोर्ट, लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां हमारे प्रावधान अलग कर दिए गए तो हमारे लिए अलग से न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारी सुनी जाए। और सबके साथ सबके विकास में हमारा भी तो भागीदारी होना चाहिए। महिलाओं का सीट आरक्षित हो गया, अन्य वर्गों का जैसे वो ग्राम पंचायतों में आरक्षण हो गया, लेकिन दिव्यांगों का आरक्षण मात्र शिक्षा में, नौकरी में हुआ, लेकिन चुनावी क्षेत्र में जब तक नहीं होगा। हमको इसलिए ये बात कहना पड़ा कि जो हमारे राजनैतिक दल हैं वो हमारी समस्या को ठीक ढंग से नहीं उठा रहे हैं, तो हमारी समस्या हम खुद उठाना चाह रहे हैं। जी सर, मेरा नाम मुबारक है। मुबारक जी, आज रैली क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? आज का रैली हम लोग दिव्यांग जनों के अधिकार को लेकर के रैली निकाल रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का सर ये भी समस्या है कि हर प्रदेश में पेंशन काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर केवल 500 रुपये महीना दी जा रही है और इसमें हम लोगों का काम काज नहीं चल पाता है। हम लोग सभी लोगों की तरह से हम लोग भी टैक्स देते हैं सरकार को, जो भी सामान खरीदते हैं हम लोगों से टैक्स भी लिया जाता है, लेकिन पेंशन इतना कम दिया जा रहा है कि हम लोगों का काम नहीं चलने वाला है। और मुख्य बात यह भी है सर कि
अगर हम लोग सरकार से या अधिकारी कर्मचारी से अगर आवास मांगते हैं, रहने के लिए घर मांगते हैं, तो लोग ये जवाब देते हैं कि पहले आप शादी कर लो। बताइए सर, हम लोग जब दिव्यांग हैं तो हम लोगों को लोग कहते हैं शादी कर लो, तो जब रहने के लिए घर नहीं रहेगा तो बताइए शादी बीवी कहाँ रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों के लिए आवास भी अगर जिनके पास नहीं उनको दिया जाए, और पेंशन के लिए और पेंशन को बढ़ाया जाए, और हम लोगों का जितना भी मतलब रोजगार है, जितना नियम कानून सब सब चीज़ का रोजगार हम लोग को मुहैया कराया जाए। आप पुष्पा, क्यों आप रैली निकाल रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इसलिए रैली में आई हूँ क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, और सरकार ने बहुत सा नियम अधिकार हमारे हैं पर हमें मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए। क्या अधिकार मिलना था, क्यों नहीं मिल पा रहा है? हम मतलब शिक्षा में पढ़ाई तो किए हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, इसलिए। क्या मांग, क्या चाहती हैं आप? जॉब करना चाहती हूँ। क्या हुआ है आपको, कब से हुआ है? बचपन में 7-8 महीने की थी तब से विकलांग हूँ, लेकिन अभी तो पढ़ी हूँ, इंटर पास की हूँ, पर घर बैठी हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, इसलिए अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ।